बम विस्फोट करने की धमकी देने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल्याण में शुक्रवार की शाम पार्टी कर रहे थे, जहां उन्होंने नशे की हालत में पुलिस को फोन कर मुंबई में चार जगहों पर बम रखने और विस्फोट करने की धमकी दी थी। इन जगहों के नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर रेलवे स्टेशन, भाईखला रेलवे स्टेशन और अमिताभ बच्चन का जो हुए स्थित बंगला बताए गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार की रात 8:53 पर मुंबई पुलिस के हेल्पलाइन नंबर डायल 100 पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर बताया कि मुंबई के चार जगहों पर बम रखे गए हैं। यह सुनते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने आनन फानन में इस संदिग्ध नंबर पर दोबारा कॉल किया, लेकिन नंबर बंद आया। तीन आरोपियों के खिलाफ केस। इसके बाद पुलिस की टीम ने सभी जगहों पर पहुंचकर तलाशी ली, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। इस बाबत मुंबई पुलिस की CIU ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता DCP चैतन्य एस ने कॉल को फर्जी बताया। साथ ही तीन आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 505(1), 506(2) और 182 के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की जानकारी दी। हफ्ते में दूसरी बार फर्जी कॉल आया। मंगलवार की रात भी पुलिस नियंत्रण कक्ष को फर्जी कॉल किया गया था, जिसमें अमेरिकी दूतावास को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। BKC पुलिस ने बम निरोधक दस्ता और दूतावास सुरक्षा कर्मियों की मदद से परिसर की जांच की तो कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। इससे पहले भी कोलाबा पुलिस ने ताज होटल को बम विस्फोट कर उड़ाने की धमकी देने वाले एक नाबालिग छात्र को सातारा जिले से हिरासत में लिया था। तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।